दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालिका वधु सीजन 2 में आनंदी का किरदार निभाने वाली अदाकारा शिवांगी जोशी आज अपने इस किरदार से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुकी है, जिसके चलते आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इसी के साथ ही इन्होंने इससे पहले कई और सीरियल में भी काम किया है, जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है और बेगूसराय जैसे कई सीरियल के नाम शुमार है। तभी तो आज ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अदाकारा शिवांगी जोशी आज कितने करोड़ रुपए की मालकिन है और किस तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करती है? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही शिवांगी जोशी के इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बालिका वधू 2 सीरियल में आनंदी का किरदार निभाने वाली अदाकारा शिवांगी जोशी पर डे के हिसाब से 2 लाख रुपए फीस चार्ज करती है, जिसके चलते आज ये 25 करोड़ रुपए की मालकिन है। तभी तो इन्होंने मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक बंगला खरीदा है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा आलिशान और खूबसूरत दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उनके बंगले में किचन और लिविंग एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, इन्होंने अपने किचन को काफी मॉडर्न तरीके से बनाया है, जिस वजह से ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। वहीं लिविंग एरिया के छत पर डिजाइन कर रखा है, जिस वजह से वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के बाद बात करते हैं इनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो आपको बता दें शिवांगी जोशी ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनती है, जिनकी कीमत तकरीबन 70 से 80 हजार है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर और ब्रांडेड ड्रेस ही देखने को मिलेंगी। वहीं ड्रेस के साथ ये मैचिंग हील्स और शूज के लिए भी 30 से 40 हजार तक खर्च कर देती है। वहीं अपने हैंड बैग, परफ्यूम और अदर एक्सेसरीज पर भी ये 10 से 20 हजार रुपए यूं ही लगा देती है। अंत में बात करें इनकी आलिशान जिंदगी में 4 चांद लगाने वाले लग्जरियस कार्स के बारे में, तो आपको बता दें शिवांगी जोशी के पास जैगवार और ह्यूंडई क्रेटा जैसी आलिशान गाड़ियां हैं। तो दोस्तों आपका शिवांगी जोशी के लाइफस्टाइल के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।